देखिए बंगाल में तो एक रणनीति और खेली जाएगी, अब भी बता देता हूँ। वहाँ एक हिंदू मुस्लिम खेला जाएगा कार्ड, दूसरा बंगाल के अंदर ये खेला जाएगा, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सलाइट है, ये यहाँ से हथियार सप्लाई करता है, ये खेला जाता है और सारे बांग्लादेश बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया गया। ये सब बातें उठेगी, हम 2 करोड़ बांग्लादेशियों को मार भी भगाएंगे, ये बातें उठ चुकी है। और इसी तरीके से बंगाल की जनता को भी बेवकूफ़ बनाया जाएगा, मूर्ख बनाया जाएगा, उनका वोट लिया जाएगा। क्या बात है जी, ईवीएम के बारे में क्या विचार आप किसके? ईवीएम, अरे ये सारा खेला ईवीएम का ही तो है, चोर चोर मोचे रे भाई, समझ गए ना? समझ गए ना, ईवीएम का खेला तो पूरा ही है। अगर बैलेट पेपर पर होने लगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मगर ईवीएम का गेम ये लोग पूरा खेलते हैं। और कुछ सवाल हो? मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जो सिखों को मोदी जी कहते हैं उनको क्या कहेंगे? सुनिए, ये तो उनको लड़ाना चाहते हैं खालिस्तानी आतंकवादी बोलकर, ये तो मूर्ख बनाते हैं। मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं आज पूरे देश की नजर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कलकत्ता पर है, और जिस तरह किसानों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो वो नहीं दिखाया जा रहा जिस हद तक दिखाना चाहिए था, और जो सही तथ्य दिखाना चाहिए थे वो चीजें दिखाई जा रही हैं, कि किस तरह कुछ संगठन में, इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बहुत, अगर किसानों के अंदर देखा जाए तो अल्पसंख्यक माना जाएगा, उनका लगातार 24 घंटे दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन क्या उन तमाम चैनलों को यहाँ की दशा नजर नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर जो एक बड़ा और सटीक, और ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने कई सारे कवरेजेस की जिसके अंदर डॉक्टर्स, वकील और तमाम लोग और दिल्ली के भी युवा जुड़े हुए लगातार, कोलकाता से एक बहुत अजीब और मैं कहूँगा अहम शख्सियत जो है हमारे साथ हैं, जिन्होंने अजीब और गरीब तरीके से बताया मोदी नीतियों को। और कुछ सवाल करना चाहेंगे? हाँ पूछिए सर। सबसे पहले हम दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम है हेमंत तोशावर, मैं कोलकाता से हूँ। तोशावर जी, कोलकाता बड़ा बाजार, आप जिस तरह से आपने बताया, हमें पता है लगातार आप कहीं ना कहीं इस पूरे जो है प्रकरण पर निगाह बनाए हुए हैं। सर क्या लगता है कि इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद भी ये सरकार जिस तरह से सीए और एनआरसी के ऊपर डटी रही, क्या ये सरकार इस पर भी डटी रहेगी या बिल वापस लेगी? सर क्या प्रेडिक्शन आपका? आप अपने देखिए, ये एनआरसी जो है ये किसान आंदोलन और सीए एनआरसी दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। देखिए अंतर है, देखिए ये तो बात मानते हैं, किसान जो होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, डैमेज हो जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए या उसको तोड़ दिया जाए या दर्द दिया जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता सीधा तरीके से। उसी तरीके से अगर किसान देश की रीढ़ की हड्डी है तो ये देश के ऊपर प्रहार है, आक्रमण है, एक तरह से देखा जाए तो सीधा खंजर भोंपा गया है किसानों के ऊपर, और जो देश को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, ये सब साफ साफ बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत नुकसान होगा देशवासियों को, सिर्फ किसानों को नहीं, वो जो अन्न खाते हैं ना घर में बैठकर, जो हर एक इंसान को होगा, क्योंकि इन्होंने सब प्राइवेट में कर दिया, आपको मालूम है, ट्रेन बेच दी, फ्लाइट बेच दिया, तेल बेच दिया, बेच दी, हाँ 22-23 कंपनी बेच दी, उसका किसानों को बेच दिया। अब आप बोलते हैं कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट पर आइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब समझ में आता है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा, जमीन का मालिक है लेकिन जमीन के ऊपर का मालिक नहीं रहेगा वो। आज तो बेचारे किसान हमारे भाई लोग हैं, जो मर्जी वो पोया, जो बोया वो बेचा, मस्ती से बेचा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जो बोलेगा वो बोना पड़ेगा, जितना बोलेगा उतना बोना पड़ेगा, और इसमें वो बंधुआ मजदूर हो जाएगा और अपनी जमीन का नौकर हो जाएगा। यानी कि अगर हम आपकी बात को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं दोबारा से जिस तरह से सन 47 से पहले 200 साल अंग्रेज राज करके गए और ईस्ट इंडिया कंपनी एक फार्मूला लेकर आई थी इंडिया के अंदर मसालों का और एक चाय की पत्ती का, तो इसी तरह से एक फार्मूला दिया जा रहा, प्रलोभन दिया जा रहा जिसमें किसान आने वाले नहीं है। देखिए ये प्रलोभन ही दिया, बेवकूफ बना रहे किसान जी। अगर किसानों को बेवकूफ ना बनाया जाता तो 2 साल पहले ही अडानी अंबानी के हजारों की संख्या में गोदाम कैसे बन गए भाई? यानी कि प्लानिंग था, ये पूरे प्लानिंग के साथ आया है ना, ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अगर ये प्लानिंग ना होती और लेके आता तो हमारे गरीब किसानों ने, तो जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके 1-1.5-2 बीघा जमीन पर पैदावार करते, क्या उसके पास स्टोर रूम है, गोदाम है? वो क्या करेंगे, मजबूरी में अपना माल बेचेंगे, मजबूरी में अपना माल जो है आधे दाम में बेचना पड़ रहा है अभी भी, और भी बाद में भी आधा से नीचे में बेचेंगे। आप MSP की बात की है किसानों ने, भैया MSP को कानून के दायरे में ला दो आप, वो तो आप ला नहीं रहे देश की जनता के सामने। अच्छा, बार बार MSP, आपने MSP की बात करी, बार बार ये जो मोदी सरकार है और मोदी मीडिया यही चलाई जा रही है कि जी MSP के लिए
कांग्रेस ने वो बार बार सबूत दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने मांग करी, समाजवादी ने मांग करी, लेकिन हम कर रहे हैं तो किसान भाइयों को भड़काया जा रहा है। इसके ऊपर सर स्पष्टीकरण, कांग्रेस ने क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, आज हम स्पष्टीकरण करना चाहेंगे आपके माध्यम से, चाहता कि जनता को साफ पता चले सारा खेल क्या है। मैं बताता हूँ, जनता को बताता हूँ, देखिए आप लोग को मैं सपा सपा बताता हूँ। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच के ऊपर भाषण दिया था, तो एक सर शॉर्ट में बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच पर भाषण दिया और किसानों को बताया गया कि आपका शोषण कर रही है सरकार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की थी। उस समय वो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी में ही थे। आज बीजेपी सरकार में आ गई है, सिंहासन जब सिंहासन पर जनता ने बिठा दिया उसको, तो आज वो किसानों का शोषण कर रही है, वही सेम गेम खेल रही है, उससे भी घातक गेम खेल रही है। किसानों को कहीं ना कहीं बोलूंगा तो डाउटफुल होगा, किसानों को सीधा बोलता हूं कि ये कैंसर का रूप में जो है किसानों को लेके आई है, ये कैंसर कानून है, और आने वाले समय में MSP और वो जो गोदाम और ये जो मैंने आपसे बताया, भाई से कुछ नौजवान साथी हमारे साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, पहले अपना परिचय दें फिर बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम योगेश है, मैं हरियाणा से आया हूँ और किसान आंदोलन का मैं हिस्सा हूँ। जब अंबानी जी मोदी की सरकार नहीं आई थी तो अंबानी जी की पैसों की रैंकिंग 140वें नंबर पे थी, तो थोड़े दिन पहले अखबार में अंबानी जी की रैंकिंग आई है टॉप 5 में, तो ये कैसे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप किसानों की कहां तक मदद करते हैं इस वीडियो को ट्रोल करने में। हम लाखों करोड़ों व्यूवर्स से अपने रिक्वेस्ट करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल करें और देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, और बने रहें न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ।